तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो आपने देख ली है, तो उस वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया है, 10,000 के करीब यहाँ पे उसके व्यूज़ हो चुके हैं और उसके ऊपर यहाँ पे बेशुमार कमेंट्स यहाँ पे आ रहे थे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज़ हुए हैं इस फ़ोन को लेके, यहाँ पे जो कि यहाँ पे iQOO Z7 Pro, ये फ़ोन बिल्कुल यहाँ पे लेटेस्ट है। अभी 5 तारीख को इसकी यहाँ पे पहली सेल आई थी और 6 को ये मुझे मिल गया था। तो ये जो यहाँ पे वीडियो होने वाली है, मैं यहाँ पे एक FAQ करने वाला हूँ, तो आपके जितने भी यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं उन सभी का यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि मैं जवाब दे पाऊँ, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए इस फ़ोन को लेके, जो हम अनबॉक्सिंग में ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। और साथ में ये रिव्यू और अनबॉक्सिंग के बीच की वीडियो है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ में आएंगी, लेकिन काफ़ी तक चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जल्दी से सबसे पहले वाली चीज़ के ऊपर आते हैं, जो कि यहाँ पे इस फ़ोन की यहाँ पे प्राइसिंग को लेके यहाँ पे निकल के आई है। प्राइसिंग को लेके अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो यहाँ पे ऑफिशियल प्राइस है जो iQOO ने इसको बताया है, वो है यहाँ पे 24,000 रुपीज़। और 24,000 रुपीज़ यहाँ पे इसके ऊपर आपको HDFC का यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दोनों अलाउड हैं, आप 2,000 रुपये का यहाँ पे ऑफ ले सकते हो। SBI का सिर्फ यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ऑफ मिलेगा, आप SBI के डेबिट कार्ड के ऊपर इसका 2,000 का ऑफ नहीं ले सकते। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको यहाँ पे 2,000 का यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, तो आपका फ़ोन यहाँ पे 21999 यानी कि 22,000 में देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे HDFC क्रेडिट कार्ड से EMI को यहाँ पे चूज़ करते हो, देन आपको यहाँ पे 2,625 यानी कि 2,625 रुपये का ऑफ मिलेगा, यानी कि 625 रुपये ज़्यादा यहाँ पे ऑफ मिल रहा है, और आपका जो इफेक्टिव प्राइस बन जाएगा वो यहाँ पे 21,000 यहाँ पे 375 रुपीज़, यानी कि 21,375 रुपये, 625 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब इतना यहाँ पे अमेजिंग ये डील बन जाएगी आपके लिए अगर आप EMI को भी यहाँ पे चूज़ करते हो। ये तो था यहाँ पे मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर आप बाय कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुआ था, वो था यहाँ पे इसके एक्सचेंज को लेके, कि अगर आप यहाँ पे फ़ोन को किसी और फ़ोन को इसके साथ एक्सचेंज करते हो, तो वहाँ पे 2,000 का एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफ दे रहे थे, क्या वो एक्सचेंज के साथ भी आपको ये ऑफ़र मिलेगी? तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप एक टैंक के ऊपर एक ही चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, या तो आप एक्सचेंज कर सकते हो या आप यहाँ पे अपना यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे यूज़ करके 2,000 का ऑफ ले सकते हो, दोनों को एक साथ यूज़ करके 4,000 ऑफ नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट रहा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ यहाँ पे इसकी सेल और प्राइसिंग को लेके यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे इसका प्राइस है, क्या वो जो अमेज़ॉन वाली वो सेल आने वाली है, अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो आएगी, उसमें ये कम हो सकता है? तो मैं डेफ़िनेटली आपको बताना चाहता हूँ कि वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि पहली बात तो ये फ़ोन बहुत यहाँ पे नया लॉन्च हुआ है और इसका ऑलरेडी प्राइस इन्होंने बहुत ही यहाँ पे कम रखा है, 24,000 रखा है और यहाँ पे 22 में मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे कोई ऑफ मिलेगा, कोई कूपन अप्लाई होगा, तो सिर्फ 1,000 रुपये यहाँ पे नीचे आ सकता है, यानी कि आपको इफेक्टिवली 21 का यहाँ पे पड़ सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आप यहाँ अभी फ़ोन ले लोगे, आपको यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों का यहाँ पे जो पहली सेल में जिन्होंने यहाँ पे फ़ोन को ऑर्डर किया था, उनका यहाँ पे डिस्पैच नहीं हुआ है, वो यहाँ पे जो सोल्यूशन उसका मैं आपको यही प्रोवाइड करूँगा, आप वो वाला ऑर्डर को कैंसिल कर दें। और मोस्टली क्या होता है कि जो ये ऑर्डर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे अभी आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको अभी ऑर्डर करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे बता रहा है कि आपको टुमारो 8 सितंबर को फ़ोन मिल जाएगा। मतलब आप देख सकते हो, अगर कोई यहाँ पे डिस्पैच में फंस गया है कोई ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे जो सबसे यहाँ पे आसान तरीका होना चाहिए वो यही है, उस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए और नया वाला यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो आपके लिए वही यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तो सारी की सारी यहाँ पे प्राइसिंग और सेल को लेके यहाँ पे चीज़ें जो आपको यहाँ पे डाउट आ रहा था, मुझे लगता है मैंने वो सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से क्लियर कर दी होंगी। अब यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया है, वो ये है कि इसका यहाँ पे आपको ब्लैक कलर लेना चाहिए या फिर वो ब्लू कलर। पहली बात तो ये वाला जो कलर है, इसका नाम है यहाँ पे ग्रेफाइट मैट कलर, ग्रेफाइट यानी कि वो कुछ ग्रे और ब्लैक का मिक्सचर है, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक है। इसका टेक्स्चर बहुत प्यारा है, आप देखो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से स्पार्कल्स आपको दिखते हैं। मैं कल अपनी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बता रहा था कि इसका जो ये कलर है, ये मुझे यहाँ पे OnePlus के एक फ़ोन की याद दिलाता है, वो OnePlus 9 RT के अंदर जो जैसे क्रिस्टल थे वैसा कुछ यहाँ पे ये डिज़ाइन है। ये हाथ में यहाँ पे पकड़ने के ऊपर थोड़ा स्लिपरी है, आप ये मत मानना कि ये बहुत हाथों में स्टिक हो जाएगा, तो स्लिपरी बहुत है, तो ये भी यहाँ पे चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है। अभी क्वेश्चन ये आ रहा था कि ब्लैक लें या फिर वो ब्लू लगून वाला कलर लें, तो मैं आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल सा आंसर देता हूँ। अगर सपोज करो 1 साल के बाद आपको फ़ोन को बेचना पड़ जाता है,
तो जो वो ब्लू लगून वाला वो वेरिएंट रहेगा, तो वो यहाँ पे ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि वो ब्लू वाला जो कलर रहेगा वो किसी किसी के प्रेफरेंस में आएगा, किसी के प्रेफरेंस में नहीं आएगा। लेकिन जो ब्लैक कलर है ये एक यहाँ पे यूनिवर्सल यहाँ पे कलर बन जाता है, मोस्टली लोग यहाँ पे इसको पसंद भी कर लेंगे और पिक भी कर लेंगे। और आपका जो फ़ोन अगर सपोज़ करो यहाँ पे 15,000 या 14,000 का बिकना होगा, वो ब्लैक कलर की वजह से सही रेट पर चला जाएगा, और ब्लू की वजह से क्या पता वो आपका फ़ोन थोड़ा सा लेट सेल हो या फिर थोड़ा सा कम प्राइस में। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी मैं स्टिल आपको ये बोलूँगा कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जो मर्जी यहाँ पे कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो ब्लू लगून कलर हो। बाकी अभी यहाँ पे कलर की बात कर ही रहे थे तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन इसके बैक को लेके आ रहा था, इसकी बैक पे जो ग्लास लगा हुआ वो असाही ग्लास है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, यानी कि जिसको एजी ग्लास बोलते हैं। और ये यहाँ पे आपके डिवाइस को काफ़ी प्रोटेक्ट यहाँ पे रखेगा। और साइड वाला जो यहाँ पे फ्रेम है वो यहाँ पे प्लास्टिक का फ्रेम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके साथ ही एक यहाँ पे और क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें आपको ये आपको वाटर रेटिंग मिलती है, तो जी हाँ, यहाँ पे इसमें आपको IP52 की रेटिंग मिलती है, जो आपके फ़ोन को मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो फ़ोन है अगर आप रेन में लेके जाओगे, आपको थोड़े से यहाँ पे कुछ यहाँ पे छींटे पड़ गए पानी के, तो वो बड़े आराम से यहाँ पे सह लेगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये है यहाँ पे इसका यहाँ पे डिज़ाइन और कलर को लेके जो यहाँ पे क्वेश्चन सामने आ रहे थे। आगे स्क्रीन को लेके थोड़ा सा डाउट यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है, वो भी एक बार क्लियर कर देते हैं कि वो कर्व कितना यहाँ पे कर्व देखने को मिलता है। तो आपको मैं यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ, एक बार मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो कितना यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको। मैं एक बार थोड़ा सा और क्लोज करके दिखा देता हूँ, तो इतना यहाँ पे कर्व है, तो आप खुद ही चेक कर सकते हो ऐसा कुछ कर्व मिलेगा। और साथ में क्वेश्चन एक और था कि जो यहाँ पे इसके ऊपर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे प्री अप्लाइड मिलता है, तो ये रहा इसका यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो आप यहाँ पे अगर इसको स्क्रैच भी लगा दोगे तो स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर ही आएगा, आपके जो जो इसका ग्लास रहता है नीचे वो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो टेम्पर्ड ग्लास इसके ऊपर आप कोई भी बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी देख सकते हो ऑफलाइन भी, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है वो यहाँ पे ऑफलाइन ही बाय करें, वो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे चीज़ अच्छी हो जाएगी। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो आईकोनियो 7 से रिलेटेड है। वैसे जो ये मेरे पास अभी फ़ोन पड़ा है ये आईकोनियो 7 प्रो है, उसका बड़ा भाई। तो आईकोनियो 7 से ये क्वेश्चन ये आ रहा है, तो क्या जो बंदे आईकोनियो 7 यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे इस IQ Z6 प्रो को ले सकते हैं? तो मैं डेफिनेटली इसको नो बोलूँगा। आप यहाँ पे अपना फ़ोन डाउनग्रेडेड क्यों करना चाहते हो? वहाँ पे आपको डायमेंसिटी 8200 देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको डायमेंसिटी 7200 देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे प्रोसेसर को डाउनग्रेड कर दोगे। तो ज़्यादा आपका यहाँ पे दिमाग खर्च मत करें, जो आपके पास अभी आईकोनियो 7 है उसी से आप काम चला लें, वो आपका काम ज़्यादा अच्छे कर देगा। बाकी उसमें डिफरेंस सिर्फ आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा जो इसका यहाँ पे जो कर्व या स्क्रीन है, और उसमें आपको फ्लैट स्क्रीन मिलती है, बाकी आपकी आपकी पर्सनल चॉइस है। वैसे भी जो फ्लैट जो स्क्रीन रहती है उनकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कर्व्ड। कर्व्ड फ़ोन अगर गिरेगा तो उसकी स्क्रीन जल्दी टूट जाएगी, और जो फ्लैट रहता है उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, वो लेट ब्रेक करता है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इसके अलावा एक यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसके कैमरास को लेके पूछा जा रहा है, वो भी एक बार कवर कर देते हैं। पहली बात, यहाँ पे कैमरा का जो यहाँ पे सबसे आप बोल सकते हो जो USP है इस बार, वो उन्होंने वो ऑरा रिंग लेके आए हैं, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पे ऑरा लाइट OIS पोर्ट्रेट। तो ये ऑरा रिंग क्या करती है, जैसे आप नाइट में फोटोज़ क्लिक करते हो वो जो हार्श लाइट रहती है उसको कम कर देती है, जो नॉर्मल वाली फ्लैश रहती है वो बहुत हार्श यहाँ पे फ्लैश लगाती हैं, वो फेस के ऊपर वो एक रोशनी पड़ती है, लेकिन ये सॉफ्ट वाला काम करती है थोड़ा सा, तो आपको डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा। कैमरा यहाँ पे दो है लेकिन काम का सिर्फ एक है, जो कि 64 मेगापिक्सल का यहाँ पे ISOCELL का कैमरा, जो कि GW3 है, जो आपको यहाँ पे डिसेंट सी फोटोज़ क्लिक करके देगा। आप एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पे आपका कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके देगा, डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी मैं इसकी टेस्टिंग है मैंने यहाँ पे कर ही रहा था, आपको कुछ यहाँ पे सैंपल्स मैं चला के दिखा देता हूँ, आप इसी सैंपल्स देखो आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। सेल्फी वाला कैमरा भी यहाँ पे एवरेज से काम करता है, 16 मेगापिक्सल कैमरा है, आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ही अमेजिंग फोटोज लेगा, लेकिन डे लाइट में दोनों ही कैमरा ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और रात को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे कुछ सैंपल्स देख ही रहे हो, आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कैसी यहाँ पे इसकी कैमरा की क्वालिटी निकल के आती है। आगे वाला क्वेश्चन इसकी बैटरी लाइफ को लेके यहाँ पे पूछा जा रहा है, बैटरी यहाँ पे कैसी चलेगी, क्योंकि बैटरी को लेके कौन मान रहे हैं कि 4600 mAh की बैटरी है, तो ये इसका यहाँ पे कौन हो गया। मैं यहाँ पे इसको कौन नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जो इनकी ऑप्टिमाइजेशन रहती है वो काफ़ी अच्छी है, बड़े आराम से आपका 6 to 7 hours का SOT निकाल के देगा ये डिवाइस। अभी मैं इसको यूज़ कर ही ना हूँ, जब भी मैं इसकी पूरी टेस्टिंग करूँगा आपको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे बता भी दूंगा किसी वीडियो में इसके बैटरी लाइफ के बारे में, क्या ये बैटरी लाइफ दे रहा है। फिलहाल अभी तो यहाँ पे काफ़ी हद तक यहाँ पे काम अच्छा किया हुआ है, तो बैटरी को लेके आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना,
की बैटरी लाइफ कम है, इसका साइज़ पतला किया गया, इसके लिए बैटरी को थोड़ा सा कम किया गया है, लेकिन आपकी बैटरी काफ़ी अच्छी चल जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इसकी हीटिंग को लेके यहाँ पे पूछा जा रहा था, और साथ ही इस हीटिंग का टेस्ट जब मैं करूँगा तो आपको यहाँ पे एक बार अनटूटू यहाँ पे साथ ही रन कर देता हूँ, प्रैक्टिकली भी आपको प्रूव हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम एक बार अनटूटू रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे अनटूटू का क्या स्कोर निकल के आता है। वैसे मैंने यहाँ पे मॉन्स्टर मोड ऑन कर दिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे मॉन्स्टर मोड को ऑन है तो आप देख सकते हो, और साथ में आपको थोड़ा सा हीटिंग का भी आइडिया मिल जाएगा कि कैसी यहाँ पे हीटिंग को मैनेज करता है ये डिवाइस। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो एक बार इसकी मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ कितना यहाँ पे टेम्परेचर है इस डिवाइस का अभी फ़िलहाल के टाइम के ऊपर। तो अभी यहाँ पे मुझे किसी भी तरह की कोई हीटिंग नहीं दिख रही है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका वो 30 डिग्री के अराउंड आपको देखने को मिलता है। जो रूम का टेम्परेचर है वो यहाँ पे 26 डिग्री है और इसका टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री है। तो अभी हम यहाँ पे रन करते हैं एक बार अनटूटू को और फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो हमारा ये एनटूटू का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक बार तो मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ, जो यहाँ पे टेम्परेचर 30 था वो यहाँ पे कितना हो गया वो देखते हैं, एक बार कितना यहाँ पे गर्म हो गया है। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रेज़ हुआ है वो 5 डिग्री का यहाँ पे रेज़ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपको फ़ोन हाथ में पकड़ने में ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा, मुझे वार्म भी यहाँ पे ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अगर एनटूटू की खुद की बात करें वहाँ पे भी यहाँ पे 34.4 यहाँ पे ये बता रहा है, तो ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं लेके आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का डाउट ये था कि जो ये प्रोसेसर है ये TSMC के सेकंड जनरेशन में बनाया गया है, तो क्या पता वो गर्मी यहाँ पे प्रोड्यूस करनी शुरू कर दे। तो जहाँ यहाँ पे ये हो सकता है कि इसकी यहाँ पे जो फ़ोन बहुत पतला बनाया गया IQ ने, तो इसकी वजह से जो हीट का यहाँ पे डिसिपेशन है प्रॉपर से नहीं होगा, तो इसकी वजह से गर्म यहाँ पे हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ है। बाकी एनटूटू का स्कोर आप देख सकते हो 7.1 यहाँ पे लैक निकल के आया है, 7 लाख से ऊपर स्कोर करता है और 7.5 लाख तक जाता है स्कोर अगर आप वो 12 GB 256 GB वाला वेरियंट यूज़ करते हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पर काम किया गया है यहाँ पे एनटूटू वाले डिपार्टमेंट में, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं हीटिंग को लेके, और यहाँ पे एनटूटू और बेंचमार्क यहाँ पे देखने को मिल ही गया है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि उन्होंने यहाँ पे इस फ़ोन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो, तो जैसे कि यहाँ पे इन्फिनिक्स का यहाँ पे GT 10 Pro और साथ में इन्फिनिक्स का एक नया फ़ोन आने वाला है इन्फिनिक्स 030, वो भी मैंने प्री ऑर्डर कर दिया था, वो भी यहाँ पे 2-4 दिन या हफ्ते में आ जाएगा, तो उसके साथ भी इसका कंपैरिजन कर देंगे। साथ में Nord CE 3 के साथ भी देखना चाहते हैं इसका कंपैरिजन, और साथ में यहाँ पे IQ Neo 7 यहाँ मेरे पास अभी 7 अवेलेबल नहीं है, तो 7 Pro के साथ ट्राई करूँगा करने की, और साथ में Vivo V27 के साथ कंपैरिजन चाहते हैं और Moto Edge 40 के साथ यहाँ पे कंपैरिजन चाहते हैं। तो जो जो यहाँ पे मैं कर पाऊँगा कंपैरिजन आपको जरूर करके दूंगा जितना मेरे से यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज अगर मेरे पास किसी पर्टिकुलर फोन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा तो मैं आपको डेफिनेटली कुछ वर्बली यहाँ पे आपको बता दूंगा कैसा आपको यहाँ पे काम हो रहा है दोनों यहाँ पे डिवाइस में, दोनों को कंपेयर मैं कर दूंगा। और यहाँ पे लास्ट एक चीज़ यहाँ पे कैमरा स्पीकर को लेकर जो कौन है यहाँ पे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे अल्ट्रावाइड कैमरा नहीं दिया गया है, ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे कौन हो सकता है, जो बंदे यहाँ पे अल्ट्रावाइड फोटोज यहाँ पे लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पे जो स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पे सिंगल यहाँ पे दिया गया है, ड्यूल स्पीकर नहीं है। तो एक बार मैं आपको सुना देता हूँ स्पीकर की क्वालिटी कैसी है, मतलब साउंड कितनी यहाँ पे ज़्यादा लाउड हो जाती है, वो चीज़ आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे सिंगल जो स्पीकर है ये भी काफ़ी लाउड है, लेकिन स्टिल यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर तो होना ही चाहिए था। तो ये इसकी यहाँ पे स्पीकर क्वालिटी एक बार चेक करें। यहाँ पे क्वालिटी तो यहाँ पे काफ़ी लाउड है, लेकिन वही है थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर
स्टीरियो स्पीकर मिल जाता तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता। तो ये तो सारे के सारे यहाँ पे FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आपने जो मुझे पूछे थे, मैंने यहाँ पे ट्राई किया सभी का आंसर देने की। कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकल हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में मैं यहाँ पे डिटेल में बताता जाऊँगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसे ही कॉन्टेंट अगर आपको चाहिए तो वीडियो को ज़रूर यहाँ पे पुश करें और इस चैनल को यहाँ पे पुश करें ताकि ऐसे कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी नहीं यहाँ पे एक धमाकेदार सी वीडियो में।